बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, अबू अल हारिस शेर कौन था? उस शेर की मुलाकात किस सहाबी रसूल से हुई थी? और क्या वाकई मैदान करबला में अबुल हारिस शेर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के जसद अतहर की हिफाजत के लिए आया था? करबला में एक अहम मकाम को शेर फिजा क्यों कहा जाता है? अबुल हारिस शेर का असल वाक्या क्या है? क्या ये मन घड़त रिवायत है या हकीकत पर मबनी वाक्या है? नाजरीन, वाक्या करबला के साथ तारीख के कई अजीबो गरीब और ईमान अफरोज वाक्यात मंसूब हैं, जिनमें से एक वाक्या अबुल हारिस शेर का है। किताब कशफुल इसरार में मौजज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में एक शेर अबुल हारिस का वाक्या भी बयान हुआ है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह से रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर अपना सर खम कर दिया था। और एक बियाबान जंगल में उस गुलाम की दूसरे दरिंदों से हिफाजत की थी। इस मौजिजा का जिक्र इमाम हाकिम तिबरानी और बुखारी ने तारीख कबीर में रिवायत किया है, जबकि इब्न राशिद और बेहकी ने भी यही वाकया सेहत के साथ बयान किया है। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, नस्लन रूमी थे। वो इस वाक्या के रावी खुद हैं। फरमाते हैं, मैं समंदर में एक कश्ती पर सवार था। यह कश्ती टूट गई तो मैं उसके एक तख्ते पर सवार हो गया। उसने मुझे एक ऐसी जगह फेंक दिया जो शेर की कछार थी। वही हुआ जिसका डर था कि वो शेर सामने था। मैंने कहा, या अबा अल हारिस, शेर की कुनियत, मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजाद करदा गुलाम हूं। तो उस शेर ने फौरन अपना सर खम कर दिया और अपने कंधे से मुझे इशारा किया, और वो उस वक्त तक मुझे इशारा और रहनुमाई करता रहा जब तक कि उसने मुझे सही राह पर न डाल दिया। फिर जब उसने मुझे सही राह पर डाल दिया तो वो धीमी आवाज में गुर्राया, सो मैं समझ गया कि वो मुझे अलविदा कह रहा है। नाजरीन, दूसरी हदीस में यही वाक्या यूं बयान हुआ है कि हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करता गुलाम थे, एक दफा रूम के इलाके में लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या वो अर्ज रूम में कैद कर दिए गए। वो वहां से भागे ताकि लश्कर से मिल सकें कि अचानक एक शेर उनके सामने आ गया। उन्होंने उससे कहा, ए अबू अल हारिस, मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं और मेरा मामला इस तरह है कि मैं लश्कर से बिछड़ गया हूं। यह सुनना था कि शेर फौरन दुम हिलाता हुआ उनकी तरफ आया और उनके पहलू में खड़ा हो गया। जब भी वो किसी दरिंदे की आवाज सुनता तो वो शेर फौरन हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो के आगे आ जाता। जब खतरा टल जाता तो फिर वो वापस आ जाता और उनके पहलू में चलना शुरू कर देता। वो इसी तरह उनके साथ चलता रहा यहां तक कि वो लश्कर में पहुंच गए। उसके बाद वो शेर वापस लौट आया। नाजरीन, हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये वाक्या तारीख की कई किताबों में मौजूद है कि उनकी मुलाकात जंगल में एक शेर से हुई, जिसे उन्होंने अबू अल हारिस की कुनियत से पुकारा और अपना तारुफ यूं करवाया कि मैं रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजाद करदा गुलाम हूं। तो उस शेर ने निस्बत रसूल की वजह से हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो की न सिर्फ हिफाजत फरमाई बल्कि उनकी रहनुमाई करता हुआ उनके साथ आया, यहां तक कि वो अपने लश्कर से जा मिले। उसके बाद वो शेर
वापस चला गया। नाजरीन अब बात करते हैं कि उस शेर अबू अल हारिस का करबला और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक था। नाजरीन बाज़ गैर मुस्तनद रिवायात के मुताबिक बचपन में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने एक शेर का बच्चा घर में पाला हुआ था। जब वो जवान हुआ तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि किसी को नुकसान न पहुंचा दे, उस शेर को जंगल में छोड़कर आने का हुक्म दिया गया। रिवायात के मुताबिक वो शेर इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करता था और उस शेर की कुनियत अबू अल हारिस थी। ऐन मुमकिन है कि हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात उसी शेर अबू अल हारिस से हुई जिसने नस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जंगल में उनकी हिफाजत की। नाजरीन 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को जब वाकया करबला पेश आया तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के खानदान के साथ आपकी वालिदा जनाब फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ईफ कनीज जनाब बीबी फिजा नोबिया सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद थी और उस वक्त वो बीबी जैनब बिनत अली सलामुल्लाह अलैहा की कनीज थी। यजीदी फौज ने जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया और यह इरादा किया कि शहदाए करबला की लाशों को घोड़ों से पामाल किया जाए तो जनाब बीबी फिजा नोबिया सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि घोड़े लाशों की तरफ आ रहे हैं तो आपने फुरात की तरफ मुंह करके फरियाद की, या अबा अल हारिस, या अबा अल हारिस। रिवायात के मुताबिक खुदा के हुक्म से वो शेर अबू अल हारिस आया और उसने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जसद अतहर की हिफाजत की और रोया और घोड़ों को करीब नहीं आने दिया। नाजरीन ज़ियारत करबला में एक मकाम बहुत अहम मकाम है। इस मकाम की निस्बत इसी वाकया और इसी शेर अबू अल हारिस से है और जनाब बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा से है। इस मकाम को मकाम शेर फिजा कहा जाता है। जायरीन जब करबला जाते हैं तो ज़ियारत में मकाम शेर फिजा की भी ज़ियारत करते हैं। नाजरीन इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इन्फो@आदिल। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।